वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वो कोडेक्स वोकल्स कैसे बनाए जाते हैं। वो कोडेक्स मतलब जैसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि ये वोकल्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि ये ऐसे क्रिएटिव वोकल्स कैसे बनाए जाते हैं और उनमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किस किस टाइप के वोकल्स बना सकते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं, बना के देखते हैं ऐसे वोकल्स हम कैसे बना सकते हैं अपने। तो बेसिकली अगर मैं अपना रॉ वोकल देखूं और मैं इसे यहाँ से मैं कर दूँ बंद, When the darkness turns to light, रियल वोकल मेरा ये था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो सबसे पहले हमें बनानी है कोड्स, ठीक है, जो उस वोकल के नीचे कोड्स आएंगी, जिस टाइप की भी उस वोकल में कोड्स है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कोड जो वोकल में यूज़ हुई है वही, बट ये थोड़ी बहुत सिमिलर हो और ठीक ठाक सा साउंड करती हूँ, जैसे कि ये बनाई है। और सिंथ, हमें एक सिंथ लेना है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट कोई भी ले सकते हैं बट सिंथ हो तो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा वो। और मैंने बस सिंपल हार्मलेस लिया है इसमें, और हार्मलेस को हम तीन नंबर डाल देते एक बार, बस ये साउंड है। सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल, बट जब हम इसे वोकल के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा साउंड करेगा। अभी जैसे कि हमने वोकल अपना फर्स्ट ट्रैक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना वोकल एक ट्रैक में डालना है। एक ट्रैक में हमने वोकल डाल दिया, यहाँ पे हम इसे कर देते हैं रीनेम वोकल। ओके, वोकल हमारा ये हो गया। ओके, हम इसके अच्छे से कलर दे देते हैं, कलर दे दिया हमने, वोकल हो गया। और नेक्स्ट हम दे देते हैं इसे सिंथ, हमने इसका नाम सिंथ दे दिया, और यहाँ पर इसे भी दे दिया कलर, और यहाँ पे हमने इसे दूसरा कलर दे दिया, और इसे हमने दे दिया वोक्स, वोकोडेक्स का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने वोक्स बेसिकली। और यहाँ पर मैंने इसे दे दिया कलर थर्ड नंबर का, हो गया ये, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर में अपना वोकल रखना, सेकेंड में क्या रखना, अपना इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने चूज़ किया है। तो मैंने चूज़ किया है हार्मलेस, तो मैं इसे सेकंड नंबर में असाइन कर दूंगा, मैंने कर दिया असाइन, बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और थर्ड में हमें क्या लेना है, जहाँ पे मैंने वोक्स लिखा है, और इसमें लेना है हमें वोकोडेक्स, यहाँ से वोकोडेक्स ले लेना है हमने। क्या क्या चीज़ें चेंज करनी वो बता दूंगा अभी। पहले क्या करना है हमें, यहाँ से इसे क्या करना है, यहाँ से इसे साइड चेन करवा देना है। साइड चेन करवाने के बाद उसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है साइड चेन टू दिस ट्रैक ओनली, तो हमने इसे सिर्फ इस ट्रैक से साइड चेन कर दिया। और हमने जब इन दोनों को साइड चेन करवा दिया, इससे देखो, इसको भी करा दिया, उसको भी करा दिया, और मास्टर से उनका कोई लिंक नहीं है। और इसका हम कर लेते हैं, इसका मास्टर से डायरेक्ट कनेक्शन हटा देते हैं और इसे दूसरे ट्रैक से, एक सेंड ट्रैक से कनेक्ट कर देते हैं, और ये मास्टर से कनेक्ट होगा हमारा, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। और अब हम अपना वोकोडेक्स खोल लेते हैं, मैं डिटैच कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए मुझे। तो जैसे हमने उसे साइड चेन कराया जिस ट्रैक को, तो हमें क्या करना है, अपना वोकल ट्रैक, देखो यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, यहाँ हमें अपना वोकल ट्रैक देना। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा नाम लिखा हुआ है ट्रैक का, जो हम इससे साइड चेन्ड है, तो ठीक है, एक नंबर पे हमने इसे साइड चेन कर दिया। और हमारा जो सिंथ वाला ट्रैक है वो देखो यहाँ पे सिंथ, इसमें सिंथ डाल दिया हमने, जिसमें कार लिखा हुआ है, तो इसे हम डाउन कर देना, बिल्कुल इसे डाउन कर देना, इन सबको बंद कर देना है। यहाँ पर जिसका पीसी ठीक ठाक है वो इसे बंद कर सकता है, और जिसका मतलब बिल्कुल ये है कि थोड़ा सा लो एंड पीसी है तो मतलब वो इसे चालू रख सकता है, तो मैं इसे बंद करूँगा फिलहाल। ओके, अभी हम सुन के देखते हैं। All right. ओके, अच्छा साउंड कर रहा है काफ़ी। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम इसे बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा ह्यूमरस साउंड करेगा, ज़्यादा ह्यूमनाइज टाइप साउंड करेगा, ज़्यादा इसमें आवाज़ ज़्यादा आएगी और हमारा सिंथ कम आएगा। और इसे हम जितना कम कर देंगे तो उतना सिंथ ज़्यादा आएगा, तो काफ़ी फेड हो रहा है, तो हम इसे दो पर रखेंगे, और इसे हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारी आवाज़ आएगी, तो हम इसे इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसे भी हमें कम ही रखना है, ऑलमोस्ट 50 के करीब रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं। यहाँ से हम इसका ये बढ़ा सकते हैं वेट सिग्नल, और यहाँ से होल्ड। इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके इसमें चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल जो हमें बनाना था हमसे वो बन चुका है। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी लगा दूँ, जैसे कि मैंने ये लगा दिया,
ऑल राइट, और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ। चलो इनको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट करना अच्छा होता है, और हम एक बार इसमें ये करके देख लेते हैं। तो ऐसे ट्राई कर करके हम इस पर काफ़ी सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हम रिवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जैसे अभी फ्रूटी कॉन्वॉल्वर पे वीडियो बनाई थी पिछली वीडियो, जिसे मैंने बताया था कितना बेहतरीन टूल है ये हमारी कोई भी रिवर्ब बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा EQ कर देंगे, यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा EQ कर दिया, इसे नहीं, हम अपने इस सिग्नल पे हम EQ करेंगे। यहाँ पर हमने इसे EQ कर दिया, यहाँ पर इस सिग्नल पर थोड़ी सी नॉइज़ हमने कम कर दी, थोड़ा सा सिग्नल हम क्लियर करेंगे, ये वाली क्लैरिटी वॉइस हमने थोड़ी सी बूस्ट कर दी, यहाँ से थोड़ी सी एयर थोड़ी सी घटाई है हमने, यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ पतली की, थोड़ा सा बेस बढ़ाएंगे यहाँ से, और ये हो गया बस। यहाँ से थोड़ा सा इसे जेंटल कर देंगे, हो गया बस। तो कितना बेहतरीन इफ़ेक्ट बन गया इस छोटे से प्रोसेस से, इतनी बड़ी प्रोसेस है भी नहीं, बट कितना बेहतरीन इफ़ेक्ट बना है। मतलब हम इस पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इस पर थोड़ा सा कुछ और ट्राई करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने, अगर मैं इस पर कुछ एक्स्ट्रा कोड्स लगा के देखूँ तो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला हम ट्राई करेंगे इस पे ये। ऑल राइट, कितना बेहतरीन इफेक्ट आ गया। इसमें हम थोड़ी सी मेलोडी ऐड करके देखते हैं। मेरे ख्याल से मेलोडी का इतना असर नहीं होगा इस चीज़ में, बट हम इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो कितना बेहतरीन इफेक्ट है, मतलब इस तरीके से हम कितनी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। चाहें तो इसमें ये चीज़ें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं इसमें चाहूँ तो थोड़ा सा फ्लेंगर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये बेसिकली इस टाइप के ट्रैक्स हमारे ईडीएम्स में बनाए जाते हैं, जो हमारे ईडीएम्स के जेनर सब जेनर्स होते हैं, तो उनमें इस टाइप के इफेक्ट्स यूज़ होते हैं बेसिकली। बट नॉर्मली ट्रैक्स में तो हम नॉर्मल इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, बट हमें कई बार ऐसे इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक जहाँ पे हम हारमोनीज नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे ऐसे ह्यूमनाइज ट्रैक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़े से रोबोटिक लगते हैं। और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और थोड़ा सा एनहेंस कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ को ज़्यादा बढ़ा दूँ और इसे थोड़ा कम कर दूँ, जैसे कि अब मान लो यहाँ से मैं इसे फुल कर देता हूँ, और मैं इसे फुल कर दूँ तो नॉर्मली हमारा इंस्ट्रूमेंट सुन रहा है, पर मैं इसे कम रखूँगा और अपना ह्यूमनाइज इफेक्ट बरकरार रखूँगा। तो कितना बेहतरीन इफेक्ट आ गया है इस छोटे से इफेक्ट से। मतलब इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट वो फ़िलहाल आगे चल किसी और वीडियो में, बट फिलहाल का जो हमारा मेन इफेक्ट था वो हमने यहाँ से क्रिएट कर दिया है। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, और वहाँ पर मैं डेली की कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट भी डालता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो डेली की काफ़ी अलग अलग पोस्ट डालता हूँ मैं उनसे। मतलब नॉर्मली छोटी छोटी टिप्स तो उन्हीं से पता चल जाती है कि हाँ ये सब टेक्निक्स, मतलब ये सब टेक्निक्स तो हमें पता ही नहीं थी जो मेरे इंस्टाग्राम पर हमें मिल सकती हैं। तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे DM भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।